हे hey दोस्तों, क्या आप एक डेवलपर बनना चाहते हो? डेवलपर यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर आईओएस एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हो, लेकिन आपके पास कुछ रिसोर्सेज की कमी होने से आप ये आपका जो ड्रीम है उसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आज का वीडियो ज़रूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको गिटहब के स्टूडेंट पैक के बारे में बताने वाले हैं, जिसके थ्रू आपको डेवलपर बनने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं मोहित आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल या फिर किसी के पास से कोई ना कोई कुछ भी लेके आपने सीखा होगा, डेवलपिंग से रिलेटेड, कोडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर और भी जो आते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करना। लेकिन आपको उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज रहते हैं उसकी कमी है, यानी कि अगर आपको एक वेबसाइट डेवलप करनी है तो आपको होस्टिंग, डोमेन, ये सारी चीज़ें चाहिए रहेगी। अगर आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना है या फिर आपको विंडोज़ के लिए या फिर मैकबुक के लिए, मैक ओएस के लिए आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन को आपको डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत रहती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गिटहब के बारे में बताएंगे। दोस्तों, गिटहब का नाम तो आपने सुना ही होगा। गिटहब एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक कम्युनिटी है, जहाँ पे ऑल अराउंड वर्ल्ड के सभी डेवलपर वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, अपने जो जो नए नए इन्वेंशन रहते हैं उसको वहाँ पे शोकेस करते हैं, और भी जो कोई भी किसी की कोई भी क्वेरी रहती है उसको भी वो लोग हेल्प करके उनको भी सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ी एक कम्युनिटी हो जाती है गिटहब की। तो वहां पे आपको डेवलपिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा सॉल्यूशन वहां पे मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टूडेंट, जो गिटहब की ओर से आने वाला एक स्टूडेंट डेवलपर पैक है, उसके बारे में बताने वाले। तो दोस्तों, आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो भी आप ये डेवलपर पैक ले पाओगे, वो कैसे हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो भी आपके लिए ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा एक गुड अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, जिसके कारण आपको गिटहब से 5 लाख रुपीस तक के आपको जो ऑनलाइन और डेवलपिंग से रिलेटेड टूल्स रहते हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो ये सारे टूल्स क्या क्या है वो हम आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चल के आपको सभी डिटेल्स बताते हैं, और आपको किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना है और आपको किस तरह से ये गिटहब का स्टूडेंट पैक लेना है, वो सारी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हमने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे, गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक। यहाँ पे आपको सभी ऑफर्स जो गिटहब डेवलपर स्टूडेंट में आप एनरोल करते हो उसके बाद आपको जॉब कोई भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो यहाँ पे सभी मेंशन किए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर इसकी टोटल कॉस्ट गिनी जाए तो यहाँ पे 5 लाख से भी ज़्यादा के यहाँ पे आपको बेनिफिट्स ये लोग गिटहब के स्टूडेंट डेवलपर वाले को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर, और उसके बाद आपको यहाँ पे गिटहब में से लॉगिन कर देना है, आपके गिटहब अकाउंट में लॉगिन कर देना है। अगर आपके पास गिटहब का अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली आपकी कोई भी जीमेल आईडी या फिर याहू आईडी से नॉर्मली आप अपना गिटहब का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन कर देने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, गेट बेनिफिट फॉर स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे ये नहीं मिलता है तो आप सिंपली स्टूडेंट सेक्शन में जाके यहाँ पे आप एक्सप्लोर स्टूडेंट प्रोग्राम पे क्लिक कर दोगे तो मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, आपको जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपकी जो आपकी आईडी होगी, गिटहब की आईडी होगी, वहाँ पे आपको गिटहब के प्रो माने जाएंगे, जैसे कि आपको जो प्रो डेवलपर रहते हैं उनको जो ब्रिज मिलता है वही ब्रिज आपको मिलेगा, बैज आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट डेवलपर पैक में आपको जो जो एडिशनल आप जैसे कि देखा था आपने, हमने बताया था, वो सभी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टूडेंट कैंपस ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी, लेकिन इसकी कोई इतनी ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपको इसको भी एक्सप्लोर करना है तो आप ये भी जान सकते हो। लेकिन सबसे जो मेन वाला है ये वही वाला है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये सारे पैक्स
वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सभी पैक देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं यहाँ पे गिटहब के स्टूडेंट अगर आप अप्रूव्ड हो जाते हो तो आपको क्या क्या मिलते हैं। जैसे कि आपको डिजिटल ओशन पे $100 का आपको वाउचर मिल जाता है, कैनवा प्रो का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, नेम चिप पे आपको एक डोमेन आपको फुल पावरफुल SSL सिक्योरिटी के साथ देखने को मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट अजर पे भी आपको $100 का वाउचर मिल जाता है, साथ ही साथ name.com पे भी आपको आपको डोमेन मिल सकता है, स्ट्रीम यार्ड पे भी आपको ये सारी सर्विस मिल सकती है, एजुकेटिव पे भी आपको यहाँ पे जो पाइथन है या फिर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है उसका एक्सेस मिल सकता है 6 मंथ का। यहाँ पे आपको फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर स्टूडेंट ये भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे और भी ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप स्टूडियो भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाता है, जैसा कि अगर मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा तो ये स्क्रॉल होते ही जाएगा, इतनी ज़्यादा ऑफर आपको मिल रही है, वो सभी चीज़ें आपको बिना किसी एक भी रुपये स्पेंड किए मिल जाएगी। जैसे कि आप हर जगह पे आप देख सकते हो मिनिमम $100, $50 या फिर 1 ईयर के लिए किसी ना किसी पे सब्सक्रिप्शन, फ्री ऐप लाइसेंस, आपके जो कोई भी एप्लीकेशन रहेगा, आप एंड्रॉयड ऐप या फिर iOS ऐप डेवलप कर रहे हो तो उसको आपको कहीं पे होस्ट करना रहेगा तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेगी जो आप सोच भी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे स्क्रॉल किए ही जा रहे हैं तो भी ये नीचे जा ही रहा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ऑफर है। अगर आपको सारी ऑफर यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखनी है तो आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑल पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो क्लाउड कर देंगे तो यहाँ पे हमें होस्टिंग यानी कि जो होस्टिंग से है वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से आप डिज़ाइनिंग देख लोगे तो यहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग टूल जैसे कि बूटस्ट्रैप स्टूडियो, कैनवा हो गया, ये सारे जो डिज़ाइनिंग टूल होते हैं वो आ जाएंगे, डेवलपर टूल्स, डोमेन्स, गेम डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड API, इंटरनेट ऑफ थिंग, लर्न मार्केटिंग, मोबाइल प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड वर्चुअल इवेंट्स, ये सारे आपको सभी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि आपको किस तरह से यहाँ पे आपको एनरोल करना है। तो चलिए अभी आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली यहाँ पे आ जाना है और आपकी ईमेल आईडी के थ्रू आपको यहाँ पे जो लॉगिन किया था वो आपको ईमेल आईडी शो हो जाएगी। और यहाँ पे आपको अगर आपके पास कोई भी आपकी प्रोवाइड की गई हुई स्कूल की या फिर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की ईमेल आईडी है अगर उसका आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको जल्द से जल्द इसका अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन आपकी नॉर्मल जीमेल आईडी होगी तो भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि इसकी क्या क्या आपको क्या क्या आपके क्वालीफाई करने के लिए आपको ये अप्रूवल लेने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो नॉर्मली आपको हर किसी को मिल जाएगी, लेकिन मिनिमम एज 13 इयर्स की होनी चाहिए। जिस किसी का भी आप आईडी अपलोड करोगे उसकी एज 13 इयर्स होनी चाहिए मिनिमम, उससे बड़ी होगी तो चलेगा लेकिन 13 इयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो कोई भी स्कूल रहेगी वो आपको या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी जो रहेगी वो आपको डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में हम गुजरात की एक चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो गुजरात यूनिवर्सिटी। इसी तरह से इंडिया की भी सभी ऑलमोस्ट 95% कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी आपकी जो कोई स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी रहेगी उसका नाम आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। आपको सिंपली आपकी स्कूल का, कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद आपको ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली रीज़न दे देना है कि आपको क्यों ये लेना है। आपको ऐसा नहीं लिखना है कि मुझे फ्री जो एक्सप्लोर हो रहा है वो मुझे चाहिए, इसके लिए आपको एक सिंपली एक शॉर्ट टर्म में जैसा कि बोल सकते हैं कि आई वांट टू बी डेवलप एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपकी पेंडिंग में चली जाएगी रिक्वेस्ट और आपको तकरीबन आपको 45 डेज तक का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्रूव्ड ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आपको बोला जाएगा, यहाँ से आपको एक मैसेज आएगा कि यहाँ पे आपने आप जैसे ही आप कंटिन्यू कर देते हो, ओके कर देते हो, उसके बाद आपको आपका जो आईडी कार्ड है आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर स्कूल के द्वारा जो आपको दिया गया रहेगा वो करंट ईयर का होना चाहिए, वो आपको अपलोड कर देना है और उसके बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आपका अप्रूवल सेंड हो जाएगा। और उसके बाद आपको 45 डेज तक का वेट करने के लिए ये लोग बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि मैसेज आएगा, ईमेल आएगा आपको, लेकिन अगर ईमेल नहीं आएगा
तो भी आपको यहाँ पे 45 डेज के बाद यहाँ पे अप्रूव्ड ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ केस में जल्द भी हो जाता है, लेकिन मिनिमम अगर मैक्सिमम नहीं होता है तो 45 डेज के अंदर तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से GitHub का स्टूडेंट डेवलपर पैक आसानी से ले पाओगे। अगर आप एक एजेड हो या फिर आप स्टडी नहीं कर रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने जो आपको मेथड बताई है उसको आप सिंपली फॉलो करोगे तो आपको आसानी से ये स्टूडेंट डेवलपर पैक मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में मैं भी स्टडी नहीं करता हूँ, अभी मेरी स्टडी खत्म हो गई है, लेकिन आपको एक वैलिड आई कार्ड की जरूरत रहती है, तो वो आपको किसी ना किसी आपके ब्रदर या फिर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी जो स्टडी करता होगा उसका आप दे दोगे तो भी चलेगा। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी एज 13 ईयर से अबो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है तो आपको आसानी से GitHub का स्टूडेंट डेवलपर पैक मिल जाएगा। और दोस्तों आपको ईमेल आने में शायद 45 डेज का टाइमिंग लग सकता है, या तो फिर 45 डेज तक आपको ईमेल नहीं भी आएगा, लेकिन तो भी आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको 45 डेज कंप्लीट होने के बाद आपको तुरंत वहां पे ऑलरेडी अप्रूव्ड का आपको सिंबल दिख जाएगा, मतलब आपकी आईडी अप्रूव्ड हो जाएगी बिना आपको मेल पे नोटिफिकेशन मिले। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको आपके वैलिड आईडी ये सब का यूज़ करना है। और यहां पे आपको कोई भी जो आपकी इंस्टीट्यूट जैसे कि कॉलेज या फिर स्कूल्स के द्वारा प्रोवाइड की गई ईमेल आईडी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपकी नॉर्मल जीमेल आईडी का भी यूज़ करोगे तो भी आपको आसानी से ये पैक का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ये स्टूडेंट पैक को आपको लेने में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और भी आपको कोई भी टेक्निकल इश्यू आ रहा है किसी ना किसी कोई भी मेथड में किसी भी चीज़ में तो भी आप मुझे नीचे पूछ सकते हो, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं उसका आपको रेजोल्यूशन देने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जो तुरंत नीचे रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा है उससे आपको प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना है, और साथ ही साथ जो बाजू में बेल नोटिफिकेशन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना है ताकि हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अलर्ट मिलती रहे। और दोस्तों अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और आपके सभी जो कोई भी जो डेवलपिंग फील्ड में जाने चाहते हैं जितने भी दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।